तो आज अभी हमें यूपी 22 ढाबा पे, जो कि रामपुर मुरादाबाद हाईवे पे स्थित है, अगर आप बरेली से रामपुर की ओर या बरेली से दिल्ली की ओर आएंगे तो ये ढाबा आपको मिल जाएगा हाईवे पे। हम जा रहे हैं बरेली से देहरादून की ओर और हम जा रहे हैं बस से। तो बस जो है वो इस ढाबे पे रुकी हुई है, तो मैंने सोचा कि हाँ, जब रुकी हुई है तो इस ढाबे का थोड़ा सा व्यू ले लिया जाए, क्योंकि ये ढाबा मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ढाबा ये लग रहा है। तो हमने सोचा चलो कुछ खाया पिया जाए और फिर चला जाए अपने सफ़र के आगे की ओर। तो मैंने ले लिया है बिल, डिनर मैंने ऑलरेडी कर लिया था यहाँ से। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ चलो चाय भी टेस्ट कर ली जाए, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ। तो मैंने चाय और ब्रेड पकौड़ा ले लिया है फिर से और मैं उसको इन्जॉय करता हूँ। तो चाय इनकी काफ़ी अच्छी है, हालांकि इनका सब कुछ थोड़ा सा कॉस्टली है अदर ढाबे से, लेकिन उस हिसाब से क्वालिटी भी है और फिर प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो भी जाता है। ढाबे से डिनर करने के बाद और चाय पीने के बाद हम चल देते हैं अपने सफ़र की ओर, क्योंकि हमें जाना है देहरादून और देहरादून हम पहुँचेंगे सुबह तक। तो हम इस ढाबे से चल देते हैं और फिर मैं लेता हूँ एक नींद अपनी बस में, क्योंकि नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ से जाने वाले हैं अब अपनी बस में बैठने और बस में बैठ के और फिर हम देहरादून पहुँचने वाले हैं। और मैं सो के उठ चुका हूँ और यहाँ आप नज़ारा देख सकते हैं, बस विंडो से मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो हम ऑलमोस्ट देहरादून पहुँच चुके हैं, देहरादून वाले खुल पे हैं, तो आप नज़ारा देख सकते हैं। सुबह के करीब 4:30 या 5 बज रहे हैं, उस समय का यह नज़ारा है। और यह व्यू देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ नथिंग फोन कुएँ के कैमरे से, ताकि नथिंग फोन कुएँ का कैमरा टेस्ट भी हो जाए। तो इसीलिए ये क्वालिटी ऐसी है, अदरवाइज़ और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन भी यूज कर रहा हूँ ताकि ये कैमरा क्वालिटी भी टेस्ट हो जाए कि हाँ किस फ़ोन की कैसी है। तो आप देख सकते हो हम गंगा जी आ चुकी है, गंगा मैया की जय। तो हम हरिद्वार इंटर कर चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार के बस स्टैंड पे। और क्योंकि हरिद्वार का बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड सेम जगह पे ही है, 100-200 मीटर का फर्क है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ये रेलवे स्टेशन आ चुका है हरिद्वार का और इससे जरा सी दूरी पर हरिद्वार का बस स्टैंड है, वहाँ से हम उतरेंगे और फिर हरिद्वार से हम ट्रेन पकड़ेंगे देहरादून के लिए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कॉस्ट कटिंग की है कि हाँ डायरेक्ट बरेली से मैं बस से ज़्यादा देहरादून तो ज़्यादा पैसे काटे, ऐसे मुझे करीब 600 रुपये का टिकट पड़ा हुआ है बरेली से देहरादून, सॉरी बरेली से हरिद्वार तक का AC बस का। और उसके बाद देन हम पहुँच जाएंगे 50-60 रुपये में ट्रेन से हरिद्वार से देहरादून। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने करीब रुपये बचा लिए, 200-300 बनना 860 रुपये का टिकट है बरेली से देहरादून AC बस का। तो हम ये ट्रेन आ चुकी है और अब हम ट्रेन में बैठने वाले हैं और हम देहरादून आ गए हैं। देहरादून पे हमने ये होटल लिया हुआ है, ले रॉयल करके ये होटल है और ये नया होटल है, आप देख सकते हैं देहरादून स्टेशन के बिल्कुल सामने है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लेने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ पास में है, तो मैंने सोचा कि हाँ मैं यहीं स्टे करूँगा। और ये प्लेस मैंने पहले से देख रखा था, ये प्रॉपर्टी मैंने पहले से देख रखी थी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने यहाँ ही स्टे किया और यहाँ मुझे 2500 रुपये का पर नाइट का रूम था। और शाम को हम अपने रूम से बाहर निकले और सोचा थोड़ा नज़ारा लिया जाए बाहर की मार्केट का। तो हम आ गए हैं पल्टन बाज़ार। पल्टन बाज़ार मेरे होटल से मात्र 850 से 900 मीटर की दूरी पे थी, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं और ठंडे की दुकानें लगती हैं, आपको 100-200 रुपये में टॉप मिल जाएंगे, 200 रुपये में जींसें मिल जाएंगी। और ये देख सकते हो ये क्लॉक टावर है देहरादून का, पल्टन बाज़ार के शुरुआत में ही ये पड़ता है और यहाँ हर टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये रोड गया हुआ है पूरा चौराया है, ठीक है। ये है देहरादून का मेन क्लॉक टावर और यह से घंटा घर भी कह सकते हैं, लेकिन क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं। अच्छी जगह ये देहरादून की, यहीं पे जो है वो मार्केट लगता है, जो मैं रिसेंटली आपको दिखा चुका हूँ। नीचे आप ये देखिए साइन बोर्ड वगैरह सारे कुछ लगे हुए हैं और ये काफ़ी सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, ये देखिए दुकानों पर चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। और ये पल्टन बाज़ार जो आ गई है उसका बोर्ड भी लगा हुआ है, ये पल्टन बाज़ार के लिए रास्ता गया हुआ है। और ये हम वापस आ गए हैं, ठीक है, अपने रूम की तरफ। तो आप देख सकते हैं हर बोर्ड यहाँ पे ऑरेंज कलर का लगा हुआ है,
किसी भी दुकान का हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हाँ एकीकरण। तो कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।